कि इंडेक्स में भी कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। निफ्टी इंडेक्स में 30 दिसंबर से कुछ बदलाव होंगे, और इस बदलाव में क्या कुछ होगा, कौन से स्टॉक्स शामिल होंगे, कौन से बाहर होंगे, किस तरह का कहाँ पर वेटेज देखने को मिलेगा, इस पर एक पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ मानसी जुड़ चुकी है। मानसी, बताइए। जनवरी सीरीज के साथ इंडेक्स कंपोजिशन में भी बदलाव होंगे और ये एडजस्टमेंट्स जो हैं 29 दिसंबर से एडजस्ट होते हुए दिखेंगे 29 दिसंबर की क्लोजिंग से, और बदलाव जो हुए 30 दिसंबर से लागू हो जाएंगे, यानी कि नई सीरीज से ये बदलाव लागू होते हुए दिखेंगे। नुवामा की एक ताज़ा रिपोर्ट है जिसके हिसाब से निफ्टी इंडेसेस की क्वार्टर रिकैपिंग एनालिसिस की गई है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक निफ्टी 50 चेंजेस की अगर बात करें, मेजर इन्फ्लोज एक्सिस बैंक में नजर आ सकते हैं, जहाँ $21 मिलियन के इन्फ्लो दिखने की आशंका है। साथ ही इसके ठीक पीछे भारतीय एयरटेल में $16 मिलियन तक के इन्फ्लोज दिख सकते हैं। वहीं अडानी पोर्ट्स में $11 मिलियन, तो HDFC लाइफ में $9 मिलियन तक के इन्फ्लोज की एक्सपेक्टेशन है। इसी लिस्ट में निफ्टी 50 कैटेगरी में HDFC बैंक, ICICI बैंक और BPCL में भी इन्फ्लोज नजर आ सकते हैं। आउटफ्लो की अगर बात करें, बजाज फिनसर्व में $34 मिलियन के आउटफ्लो एंटिसिपेट किए गए हैं। वहीं बजाज ऑटो में अनुमानी है कि $19 मिलियन तक के आउटफ्लो नजर आ सकते हैं। HDFC और टेक महिंद्रा में भी आउटफ्लोज दिख सकते हैं, ये इस रिपोर्ट का अनुमान है। बैंक निफ्टी चेंजेस की अगर बात करें, HDFC बैंक में मेजर इन्फ्लोज नजर आएंगे अराउंड $25 मिलियन के। वहीं ICICI बैंक में $22 मिलियन तक के इन्फ्लोज दिख सकते हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक में भी इन्फ्लोज ही नजर आएंगे। वहीं अगर मेजर आउटफ्लोज की बात करें, एक्सिस बैंक पर नजर रखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी चेंजेस में एक्सिस बैंक में मेजर आउटफ्लो दिख सकते हैं $78 मिलियन के, तो इस स्टॉक पर खास नजर रखनी होगी। और SBI में भी करीब $32 मिलियन तक के आउटफ्लोज का अनुमान जताया गया। और अंत में CPSE इंडेक्स की जहां बात कर रहे हैं हम, पावर ग्रिड में $13 मिलियन के इनफ्लोज नजर आ सकते हैं। वहीं ONGC के स्टॉक में $21 मिलियन तक के आउटफ्लोज दिख सकते हैं। माइनर आउटफ्लोज NHPC, ऑयल इंडिया, NBCC, कोचिन शिपयार्ड, NLC इंडिया और SJVN जैसे स्टॉक्स में भी नजर आएंगे। तो ये है ताज़ा निफ्टी इंडेसेस क्वार्टरली रीबैलेंसिंग एनालिसिस नुवामा के रिपोर्ट के तहत, और ये जो चेंजेस हैं वो इफेक्टिव होते हुए दिखेंगे 30 दिसंबर से, यानी कि नई सीरीज के साथ। बहुत शुक्रिया मानसी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो 30 दिसंबर से क्या कुछ बदलाव होंगे ये भी मानसी आपको बता रही थी। CPSE इंडेक्स में भी बदलाव होगा और इनफ्लो कुछ बड़े इन्फ्लोज भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, अदानी पोर्ट्स, HDFC लाइफ, HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स में कुछ बड़े इन्फ्लो भी देखने को मिलेंगे। तो ये एक जानकारी आपके लिए, इस पर आप नज़र रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी 1.5 घंटे रह गए हैं, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे सेक्टर स्टॉक्स में बाइंग नज़र आ रही है।